Hello, good morning. I am Professor subhashish Sengupta once again. Yesterday, uh, uh, obviously um, in the last video, uh, yesterday I couldn't do the video because there was some urgent work and so I have come with uh, today's session. And today what we are going to do, we are going to work on verb. We have worked on verb yesterday, or the day before yesterday, but I will tell you what,

you please talk in bengali also so i will be using english i'll be using hindi and i'll be sometimes i'll be using bengali as well right so it is by uh, three languages will be used in one video right now call this means it is tense 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 call right Tense in English and Kal in Hindi. Shayana Apnada "Kal." Kalman tense. Right. Now what I am going to do? There are three types of tenses. Past tense. Past tense. Present tense. एंड फ्यूचर टेंस राइट फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस एंड पास टेंस नॉर्मली जितनी भी दुनिया में किताबें आपको मिलेंगे उसमें रहेगा पास्ट नहीं पहले प्रेजेंट पास्ट लर्न ये करता है लेकिन मैं वैसे नहीं करूंगा इसका फॉर्मूल वट आई मी टू टेल यू

जितने भी किताब में पहले प्रेजेंट दिए हुए हैं हम इसको नहीं मानते हैं आई जस्ट डिस्कालीफाइड हम पहले मानते हैं पास्ट क्योंकि पीछे वाला एक कल जो बीत गया है कल तो ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पे आएगा अभी जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा थर्ड नंबर भी फ्यूचर आएगा तो आई विल गो गो वेंट लाइक दैट गोवेंट आई नॉट वेंट लाइक नॉट लाइक दैट सो आई साइकोलॉजिकली एंड एंड फिजिकली जो रियल घटना है सत्य घटना है कि पहले मेरा पास्ट जो कल बीत गया है वो तो पहले आया है तो उसके बाद अभी है सेकेंड में और थर्ड है फ्यूचर में तो मैं प्रेजेंट को ऑलवेज बीच में रखेंगे सो वॉट यू ऑल स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड विल कीप द प्रेजेंट इन द मिडल प्रेजेंट कॉन्ट बी इन द फर्स्ट गो वेंट गो वेंट लाइक दैट नो गो वेंट जस उल्टा चलेगा जो किताबों में आज तक बच्चे से आप लोग तो देखते आए हैं जो भी आए हैं हम वो फॉर्मूला को ना काटते है। हैं दुनिया की जितनी भी किताबें हैं सबको हम ना काटते हैं मैं रखता हूँ प्रेजेंट को बीच में बिकॉज कल जो बीत गया वो पहले आएगा सेकेंड अभी हम वर्तमान में हैं अभी हैं तो सेकेंड में आएगा और फ्यूचर जो आया नहीं है वो थर्ड में आएगा सिंपल साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल फिजिकल और एकदम आपको मानना पड़ेगा इस बात को अगर आप किसी को काटना है मेरा फार्मूला को मेरा फार्मूला को इस नंबर पर आप बिल्कुल काट सकते हैं यू हैव गोट द इंडिपेंडेंस टू गो अगेंस्ट माई वर्जन डो अगेंस्ट माई डिसीशन आप हमको इस नंबर पर यू कैन कॉल मी आप इन दिस नंबर दिसमे व्हाट्सएप नंबर आई क्यू राइट सर यू आर रॉन्ग एंड प्लीज़ मेक के अंडरस्टैंड कि हाउ आई एम रॉन्ग आप लोग को अगर बताना है कि मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बता दीजिएगा वेलकम है आपका कोई टेंशन नहीं है आप बिल्कुल बताइएगा सर आप रॉन्ग हैं क्यों रॉन्ग हैं मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ ऐसानिए कि दुनिया के सारे ज्ञान हम ही लेके आए हैं आपसे भी बहुत कुछ सीखने का है मैं सीखूँगा राइट तो हमारे पास देखते हैं हमारे पास तीन काल है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज राइट वन इज पास टेंस फर्स्ट में बोले हैं पास नंबर वन प्रेजेंट टेंस नंबर टू एंड फ्यूचर टेंस जो आया नहीं आने वाला है वो नंबर थ्री मैथमेटिकल टर्म्स में इंग्लिश को सीखिए चुटकी में इंग्लिश सीखिए वो सालों साल सालों साल सालों साल, 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 साल दस साल बारह साल पंद्रह साल बीस साल से अब अंग्रेजी सीख रहे हैं टू हेल्प विद इट मैं उसके पक्षपात में नहीं हूँ हम चाहते हैं जितना जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखे और बेहतरीन इंग्लिश सीखे एयर फ्री कोई गलती ना हो ग्रामेटिकली करेक्ट हो ठीक है तो आपके पास तीन टेंस तीन तरह के टेंस है यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज अपना के तीन टे टेंस थे, थे, अच्छे एक्टाचे पास टेंस एक्टाच है प्रेजेंट टेंस और एकटा चाहिए फ्यूचर टेंस राइट तो यानी कि आपके पास पास टेंस भी है प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर टेंस भी है तो अभी हमको इंडिविजुअली बोलना है कि इंडिविजुअली क्या है वॉट आर दीज थिंग्स पास्ट यानी कि पास्ट पास्ट का वेरिएशन डिपेंड करता है कि हाउ यू यूज इट हम एक कप चाय एक घंटा पहले भी पी सकते हैं और कल भी पी सकते होंगे और दो दिन पहले भी हम चाय पिया था कॉफ़ी पिया था शराब पिया था ये किया था कुछ भी किया था किसी से झगड़ा किया था किसी से बकवास किया था कुछ भी सही हो गलत हो अच्छा हो बुरा हो बहुत फ़ायदेमंद हो नाफायदेमंद हो जो भी घटना इन रेस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट व्हाट एवर बी द सिचुएशन गुड और बैड और वेरी बैड और वेरी गुड कुछ भी हुआ होगा पास्ट में दैट इज द पास्ट एंड दैट कुड स्टार्ट फ्रॉम नाउ, अभी एक घंटा अभी मान के चला जाए व्हाट इज द टाइम नाउ? लेट मी सी सी द वॉच नाउ इट इज़ क्वार्टर टू टू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉटर टू अभी पौने दो होने जा रहा है हुआ नहीं है, लेकिन होने जा रहा है लेकिन हमारा कहने का मतलब है आप उसे पंद्रह मिनट पहले भी अगर आप कुछ किए होंगे तो वो पास्ट में ही चला जाएगा एक मिनट पहले भी किए थे पास्ट में चला जाएगा लेकिन डिपेंड करता है पास्ट कितना पास्ट एक दिन का पास्ट कि सौ दिन का पास्ट कि सौ साल का पास्ट डिपेंड करेगा आपको सिचुएशन पर उसी ढंग से आप लिखेंगे योर सेंटेंसेज विल डिपेंड वॉट पास्ट मीन्स वॉट पास्ट इज इट पास्ट ऑफ जस्ट टू मिनट्स और पास्ट ऑफ वन ईयर और हंड्रेड ईयर्स तो इट डिपेंड्स अभी के पहले उसमें पास्ट हो जाएगा जो बीत गया वो पास्ट तो बीत गया कितना अभी तुरंत बीता है कल बीता है परसों बीता है सौ साल पहले बीता है तो वो भी ख्याल रखना है काम करना है बुद्धिमान के तरह एकदम समझदारी के साथ कोई वेगनेस नहीं रहना चाहिए दे शुड बी नो वेगनेस आई वॉन्ट मीन बाई वेगनेस कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्लियर क्लैरिटी दे शुड बी अ क्लैरिटी आपने जागिजू करबें परिष्कार होने देख दिए कन्फ्यूजन हो और आप लोगों को जो हिंदी भाषी जो हमारे भाई बहन हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो भी मेरे जितने भी लोग हैं यंग लर्नर्स हैं इसको मैं बता दूं आप टेंस को बहुत इंपॉर्टेंट मानिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश में जैसे कि आपको बताए थे नॉन गोवे एन नाउन नॉन गोवेन एडजेक्टिव ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसके बिना इंग्लिश नहीं चल सकता है दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जैसे आपको अलग अलग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं देखिए आपको मैं आई हैव है टेलिंग ऑल ऑफ यू ट देर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकिन एट पार्ट्स ऑफ स्पीच लेने लेके भी हम पाँचों से कोई मतलब नहीं है हमको मतलब है भी तो थोड़ा मतलब है इतना मतलब नहीं है आई डूट हैव समर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द रेस्ट सेवन फाइव पार्ट्स ऑफ स्पीच बट डी थ्री पार्ट्स आर मोस्ट वाइटल देर आर हार्ट एंड सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हार्ट एंड सोल दिल आत्मा प्रेन ये है नाउन वर्व एंड ऑब्जेक्टिव इसको जो समझ लेगा वो फायदे में रहेगा मैने बहुत बहुत बहुत, बहुत बीस साल के फायदे में रहेगा दोज हु विल नो दैट वाई आई एम टॉकिंग अबाउट नाउन एंड एडजेक्टिव यू विल नेवर एवर फाइंड इन एनी बुक्स ऑफ द वर्ल्ड इन सेवनटीन ईयर्स अ बुक वेर इट दैट आई एम नाउ सिंपल और आप लोग हिंदी भाषी वाले जो भी हैं या बंगला भाषी वाले हों तो सबको हम बोल रहे हैं कि आपके पास ये तीन काम पे ही जोर लगाइए बाकी जो है अपने आप आ जाएगा आपको पुरनाउन के लिए सोचना नहीं है कंजंक्शन के लिए सोचना नहीं है आपको सौ का एक परसेंट मेहनत से आपको बाकी आ जाएंगे आप जब वहां पर खाना डालेंगे ना चिड़िया के लिए बहुत सारी चिड़िया उड़ के आ जाएंगे वही हालत होगा ये आपका खाना है दिस इज योर फूड ऑफ इंग्लिश दिस इज द रियल फूड ऑफ इंग्लिश इसका सही होगा बाकी उर उड़ के आपके पास आएगा प्रॉपर नाउन भी आ, आ प्रोनाउन भी आ जाएगा एडवर भी आ जाएगा प्रिपोजिशन कंजंक्शन इंट्रोडक्शन जो पांच चीज पर हम जोर नहीं दे रहे हैं वो पाँचों उड़ के इसका अगल बगल आके घेरा करने लगेगा अब बीस तीन को संभालें बाकी अपने आप सम्भलता रहेगा ठीक है आपको समझ में आएगा तब जब आप मेरे बात पर यकीन करेंगे मेरी बात पर काम करेंगे तब तो आपको धीरे धीरे यकीन आने लगेगा जब यकीन आने लगेगा तब आप बड़ा फुर्ती से काम करेंगे पहले तो घबराहट होगी नर्वस हो जाइएगा दुनिया में आज तक देखा नहीं है क्या सर पढ़ा रहे हैं कोई किताबों में नहीं देखा बात सही है मैं सत्तर साल में जब कोई किताब में नहीं देखा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ बचपन से अभी तक पढ़ाई पे ही ज़िंदगी गुजर गई है तो इसीलिए जब इसमें नहीं है तो हम नहीं समझते हैं कि कोई ये किताब पटना में दिल्ली में बॉम्बे में कलकत्ता में ये लंदन में कहीं पर होगा या ये फार्मूला पर किताब चला होगा नहीं चला होगा एक अंदाज से बता रहे हैं एकदम श्योरिटी के साथ बता रहे हैं इम्पॉसिबल है तो हमको दिखाइए आप लोग आपका वेलकम है मेरा दिल का दरवाज़ा घर का दरवाज़ा खुला हुआ है आपके लिए राइट तो मेरा कहना है कि अभी हम लोग इसको लेके डील कर रहे हैं वी आर डीलिंग विद वर्ब एंड कल कल बताए थे what, uh, कल बताए थे व्हाट इज वर्ब अब वर्ब का ही एक वर्व इधर है टेंस इधर है हम ये भी बताए थे एक सिक्का है सिक्का के इधर है वर्व इधर टेंस आप उसको अलग नहीं कर सकते आप उसको यू कैन नॉट सेपरेट बाय फर्केट क्यों बिकॉज इट इज इट इज अटैच विद दैट एंड आई एम गोइंग टू टेल हाउ हाउ दैट वर्क आउट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू हैट इज वर्ड इज वर्ड इज अ डूइंग वर्ड कोई भी काम करते हैं खेलते हैं उठते हैं बैठते हैं जाते हैं आते हैं खाना खाते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं बातें करते हैं आर्गू करते हैं झगड़ा करते हैं जम्प करते हैं स्विम करते हैं कुछ भी करते हैं दुनिया में आपको सब आता है वर्ब में राइट right? क्रिया इज अ डूइंग वर्ड बट काल क्या है वॉट इज द परिभाषा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काल द टाइम ऑफ द वर्क डन सिंपल एकदम आईने की तरह साफ साफ पानी की तरह साफ इसमें कहीं कोई लटपट नहीं है कोई घबराहट नहीं है नो टेंशन नो कंफ्यूजन द टाइम ऑफ द वर्क डन जो मैंने पहले क्या बताया था काम जम करना खाना पीना उठना बैठना दौड़ना लिखना पढ़ना जो भी है तो वो किस टाइम पे हो रहा है दैट इज टेंस द टाइम किस टाइम में हो रहा है सुबह हो रहा है शाम को हो रहा है आज हो रहा है कल हो रहा है परसों हो रहा है सिंपल तो वर्ब एंड टेंस का क्या बात हुआ है वर्व क्या हुआ एनी थिंग एनी डूइंग वर्ड इज वर्ब ठीक है एग्जाम्पल उठना बैठना खाना पीना जस्ट टू गो स्लीप जंप रन राइट बुक यू नो वट एवर यू आर गोइंग स्विमिंग यू नो डांसिंग यू नो gossiping whatever you are यू आर डूइंग दैट इज अ वर्ब बट verb द वर्ब that डन दैट इज टेंस कब ये काम हुआ है हो रहा है होने वाला है वो टेंस है सिंपल दोनों में परिभाषा साफ साफ है जो काम हो रहा है वो वर्व है किस समय हो रहा है ये टेंस है सारे दुनिया के लिए मैसेज जान, जान, जाना चाहिए कि वर्ब एंड टेंस का जो बोल इतना बोलते हैं बीस भी बीस साल से नहीं है बहुत अफसोस की बात है जब बीस साल तक टेंस और वर्ब नहीं जानता है राइट तो मैं अभी कह रहा हूँ एक ठो बात बता रहा हूँ जैसे हम बता रहे जैसे नॉर्मली किताबों में दिखा रहता है गो वेंट और गॉन ठीक है तो गॉन तो चूँकि थर्ड फॉर्म में है मैं बताएंगे जब वो टेंस का बताएंगे तो ये नहीं होगा तो गो वेंट तो गो वेंट होगा तो गो वेंट ऐसा होगा नहीं गो वेंट ऐसा होगा उल्टा होगा मेरे दुनिया में मेरे इंग्लिश की दुनिया में मैं इसको रखूँगा गो को यहाँ रखूंगा ये इधर नहीं रखूँगा हजारों राइटर आए हैं हजारों किताब लिखे हैं टन के टन किताब लिखे हैं बचपन में भी वही देखा बड़े में भी वही देखा यूथ में भी देखा इस उम्र में भी देख रहे हैं इंग्लैंड में भी देखा इंडिया में भी देखा के गो वेंट लेकिन मेरा गो वेंट ऐसा नहीं चलेगा जी वेंट हमारा गो वेंट गो हम यहाँ लिखेंगे और वेंट हम यहाँ लिखेंगे कि भाई गो मेरा प्रेजेंट टेंस है ये मेरा प्रेजेंट टेंस है ये गलती ना करें और ये मेरे पास टेंस ये मेरे पास टेंस है सिंपल ये दो चीज़ को आप कड़ी को पकड़ ना सारी चीज आराम से सही हो कहीं भटकाव नहीं होगा यू विल नेवर गो कन्फ्यूज नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड नेवर यू विल बी एबल टू दैट यू कॉन्ट अंडरस्टैंड अ मैटर सिंपल वेरी सिंपल वर्ब वंस अगेन वर्ब एंड टेंस व्हाट इज वर्ब वर्ब इज अ डूइंग वर्ड वर्ब क्या है जो भी काम हो रहा है वो वर्ब है क्रिया जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं टेंस क्या है वही क्रिया किस समय हो रहा है अभी हो रहा है कल हो रहा है परसों होगा पर, उसके बाद होने वाला है परसों हो चुका है अभी हो रहा है जो भी होता है उसको टेंस बोलते हैं राइट तो अभी इसमें हमने वो किताब में बार बार हम रेफरेंस दे रहे हैं आप लोगों को आई एम गिविंग द रेफरेंस ऑफ दिस बुक हंड्रेड टाइम्स क्यों दे रहे हैं कि ये सिंपल सी पतली सी किताब है ये आपको लाइवलाइट पर ले जाएगा अंधेरे से रोशनी पर ले जाएगा गारंटी है मेरी इस बात की हमें इतनी मोटे मोटे जो 400-500 पेज की किताबें हैं दुनिया भर में किताबें हैं आप उस किताब की नहीं देखना है आप सिंपल इसमें देखेंगे वर्क पे स्टेट वर्क पे आएंगे एक एक चैप्टर उठाएंगे सीधे आएंगे आपका यहाँ पर एकदम बहुत सारे दिए हुए हैं टेंस ये पेज नंबर फाइव एंड सिक्स में पे है पेज नंबर फाइव एंड पेज नंबर सिक्स ये सब दिया हुआ है आप इसको टेंस निकाल सकते हैं लेकिन मैंने एक बात बताया था इस बात को आप याद रखिएगा ये बात आप याद रखिएगा कि जब टेंस की बात हम बोलेंगे जब वर्व की बात बताएंगे तो वर्व के पास क्या होगा वर्ब ये होगा तो वी वन होगा प्लस वी टू होगा प्लस वी थ्री होगा प्लस वी फोर होगा प्लस वी फाइव होगा तो एक सेंटेंस दो सेंटेंस तीन सेंटेंस चार सेंटेंस पांच सेंटेंस तो आपको पांच सेंटेंस बनाने पड़ेंगे विद द सिंगल वर्ब द वर्ब आई एम बी टॉकिंग अबाउट दैट विल बी ऑलवेज वी वन जो भी हम वर्ब की बात बताएंगे खेलना चाहे खेलना हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे टू प्ले राइट सिर्फ प्ले नहीं होगा उसके पीछे छुपा हुआ है टू किताबों में भले ना मिले लेकिन हम आपको साइकोलॉजिकली समझा रहे हैं कि अगर हम कहते हैं हिंदी में दौड़ना तो इंग्लिश में बोलिए कैसे दौड़ने का क्या मतलब टू जंप ए, ए, टू रन हम लोग खाने का क्या होता है टू ईट तो वो टू जो मेरा है हर वर्ब में वी वन में टू यहाँ छुपा हुआ है जिसको हम लिखते नहीं हैं क्योंकि हर में तो है तो उसको समझ लेना है कि टू है राइट टू टी और टू टू जम्प तब कहेंगे कि टू जम्प मतलब फानना टू रन तो दौड़ना टू ईट खाना तो ये क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट क्लियर एक बार क्लियर सौ साल के लिए क्लियर आपको डेली नहीं सीखना है अब एक बार सीख ले जिंदगी का मजा उठाए ठीक है किस बात का कंफ्यूजन इंग्लिश कठिन है कठिन कुछ कठिन नहीं है तो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट That English is not difficult at all, provided you learn it the way I am teaching you. If you are intelligent enough, if you can see what I am saying, if you think, ponder in your mind, think in your mind, then you will know why I am telling that. मैं किसलिए बात बोल रहा हूँ? सोचिए, सोचिएगा, बैठ के सोचिएगा, तब आपको ये clarity मिलेगा, clear होगा। और आपने ना ज़्यादा-ज़्यादा बागली ज़्यादा आशन તરાય એターમે કોનો કોઠીન બાપર નય કોનો પ્રોબ્લેમ હવે આપની અમાગે લખબેન એય અમાર વોટ્સએપ નંબર આઈલ ગિવ યુ ઇન ડિટેલ ઓકે રાઈટ અબી હમ બતા રહે હૈ જેસે કિતાબો મે دیے ہوئے હે અબ હમ થોડા સા પડેંગે જ્યાદા પડેંગે નહીં ઇસ વિડિયો કો શોર્ટ રખેંગે થોડા રાઈટ ફાઇન્ડ ફાઇન્ડ મતલબ ખુયે બરગડા ખુયે બરગડા એક ખોજ કે નિકાલના પિટેન્ડ बहानाबाजी करना एक्सक्यूज देना टू प्रिटेंड राइट जब भी हम लिख रहे हैं ना टू फाइंड तो टू फाइंड प्रिटेंट तो टू प्रिटेंड कुक तो टू कुक हैंग टू हैंग तो हर में टू लिखा हुआ है जो आपको लिखना नहीं है माइंड माइंड पर रखिएगा कि हर वर्ड के ऊपर टू लिखा हुआ है बस तब आपको काम आसान हो जाएगा हर चीज़ का एक तरीका होता है उस तरीके से चलेंगे आप बिल्कुल आसान रहिएगा हम इसमें ज़्यादा नहीं पाँच करके इसको बंद कर देंगे राइट पाँच फाइंड मतलब तो फाइंड अगर होगा, find, यह होगा फाइंड जैसे कि फाइंड है राइट right? तो यहां होगा फाउंड फाइंड यहां पर आएगा मेरे प्रेजेंट के नीचे फाइंड राइट और ये वाला अलग चीज उसको आप सेपरेटली पढ़ाना पड़ेगा ये इसके साथ पढ़ाएंगे तो गड़बड़ा आ जाएगा ठीक है बात तो समझा गई ये हमको अभी चूंकि गो वेंट गॉन बोलते हैं तो गो वेंट या गो गो इधर गो वेंट इधर गौन इसमें नहीं आएगा इसमें गौन रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा बुद्धि से काम निकाल है गॉन कहाँ होगा थर्ड फॉर्म में होगा जब हम हमको टेंस का चार्ट बना देंगे टेंस कैसे काम करेगा टेंस आपका एकदम मैंने एकदम जादू की पुड़िया हो जाएगी टेंस सीखते सीखते बीस साल बाईस साल पच्चीस साल क्या बात है यार ये कोई बात हुआ देखने वाला कोई नहीं समझाने वाला कोई नहीं राह दिखाने वाला कोई नहीं देर इज नो वन टू गाइड द स्टूडेंट्स इन द राइट पाथ हाउ यू आर वर्किंग आउट इन टेंस हाउ नॉट इन अ डिफरेंट वे बट वॉट यू डू यू सेपरेट इट Just go by the past and present because whatever you write over here, for instance, you know, like ring rang rang. Ring rang is ring rang, fine, but rung won't be here. Rung rang will be wrong. Rung will go into the third chapter in the column of tense. I will do it in the next video, right? So you understand. And then take everything together, and it is very simple, very easy, right? Now I am coming with, a, say, like uh, uh, swing.

हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे टेंस करके बुलाएंगे अभी हमको ये बोल रहे हैं इस वीडियो में मैं ये बोल रहा हूँ हमारे पास पास्ट है हमारे पास फ्यूचर है हमारे हम पास्ट है प्रेजेंट है फ्यूचर है अब प्रेजेंट को हम ऑलवेज बीच में लिखे दो नंबर में लिखेंगे ये गलती आप लोग अगर इसको इससे अगर उभर के आएंगे तो आपको लाइफ ईजी हो जाएगा लेकिन तो वही दकियान उसी उसी तरह जो सौ साल से चलता आ रहा है वही पढ़ेगा तो गड़बड़ होगा तो जब भी आप बोलेंगे गो वेंट और गॉन होगा जो टेंस का चार्ट में एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर तो आपको तीन नंबर में आएगा गॉन जो होगा ना यहां पर होगा मेरा स्टूडेंट है उसका नाम है सुनील कुमार राइट वो समझ गया वो हमको समझा सकता है अभी हम उसके गुरु हैं लेकिन हमें कोई बुरा नहीं लेगा वो मेरा गुरु बन सकता है क्योंकि वो सच्चाई को जान चुका है दो प्लस दो चार अगर बन जाता है एक बच्चा लड़का भी बोले दो प्लस दो चार वो अमेरिका में भी जो बोले वो सच्चा है इंडिया में भी बोले सच है छोटा है तो कोई मतलब नहीं सच्चाई बोल रहा है तो ज्ञान की बात सब कोई बोल सकता है छोटा हो बड़ा हो बहुत बड़ा हो बहुत छोटा हो नो प्रॉब्लम ठीक तो हमें ये इसको अभी चैप्टर को हम बंद कर रहे हैं हमारा बेसिक बात था इस इसटेंस में, में काल क्या है द वर्क किस समय हुआ है दैट इज कॉल यहाँ लिख दिए हैं द टाइम ऑफ द वर्क डन द टाइम ऑफ द वर्क वो जो क्रिया हो रहा है ये जो क्रिया हो रहा है काम ये किस वक्त हो रहा है दैट इज सिंपल इस एक एक स्टेप को माथा में रखिए तब काम करने में मजा आएगा सब कर देंगे तो हच पंच हो जाएगा फिर इच विल भी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अरे आपने तो सकुल तो बोलिए स्टेप बाय स्टेप चोलूँ तारे समस्त इजी हो जाए एक जी देखूँ नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री तो एखे एक्चुअली नंबर वन गोवेंड जो तो नंबर वन टन हवे नंबर टू एखन हवे कहना प्रेजेंट इज नाउ एट द मोमेंट एंड पास्ट इज ऑलरेडी गॉन दैट इज वंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री बिकॉज द द टाइम विच हेज गॉन अवे दैट इज नंबर वन द प्रेजेंट टाइम दैट इज नंबर टू एंड द टाइम विच इज़ नॉट इज टू कम दैट इज नंबर थ्री सिंपल हम सोचते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया है और इसके बाद अगर कोई तरह प्रॉब्लम हो क्वेश्चन लिख दे क्वेश्चन हम तक पहुँचाएँ हम उसका जवाब देंगे अभी तो टेम्प्ररी हमारा तो उस तरह ऑनलाइन डायरेक्टली कुछ नहीं है कि डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं देर इज़ अ डिफिकल्टी आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू कैन टॉक मी डायरेक्टली बट देर इज अ नंबर दैट इज़ सेवन ज़ीरो सिक्स वन टू फाइव एट एंड टू सेवन सिक्स दैट इज़ माई व्हाट्सअप नंबर यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टेक्ट मी थ्रू द व्हाट्सअप नंबर आप हमसे डायरेक्टली वन टू वन व्हाट्सएप नंबर के जरिए में आप क्वेश्चन कर सकते हैं कुछ पूछ सकते हैं यू आर वेलकम सारे दुनिया के लोग राइट right? डिपेंड करता है कितना जल्दी मैं जवाब दे सकूं। एक दिन दो दिन तीन दिन लेकिन मैं जवाब देने का नाइन्टी परसेंट या 100 परसेंट कोशिश करूंगा। तो ठीक है बंधु ये मैं बोल के इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। हमें वंस अगेन जस्ट टू रिकैप खत्म करने से पहले रिकैप कर लेते हैं कि कहने का मतलब है इस चार्ट को देखें हम पहले बताए थे वर्व एंड टेंस सिक्का ये सिक्का है सिक्का के दो पहलू हैं एक पहलू है वर्व है दूसरा पहलू टेंस है वर्व मतलब काम जो भी काम दुनिया में हो रहा है कोई भी काम दिल धड़क रहा है बातें कर रहे हैं बोर्ड पे लिख रहे हैं बोर्ड हिल रहा है पंखा चल रही है हवा बह रही है कोई भी दुनिया में काम उठना बैठना खाना पीना काज ये होता है वर्व और ये वर्व कब हो रहा है टेंस अभी हो रहा है कल हो गया था कि कल होने वाला है दैट इज सो टेंस में तीन तरह का टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस जो बीच में जाएगा एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम बीच में जाएगा प्रेजेंट टेंस फर्स्ट में जाएगा पास्ट टेंस लास्ट में जाएगा फ्यूचर टेंस इसको जो चालाकी से समझ ले उसके लिए जिंदगी का सारी प्रॉब्लम सॉल्व ठीक है थैंक यू सो मच बाय